जमने ही नहीं देगी। तो मैं आपको बोलूं कि एक फिटकड़ी झा है, वो नहीं चाहता है इस देश, इस प्रदेश में जो मार्शल कौमें हैं, जो कृषक जातियां हैं, वो इकट्ठा हो, एजेंट बन के पार्टियों में बैठे हुए हैं। किसके एजेंट है सर? किनके एजेंट? और किसके होंगे? जिनका केंद्र में सरकार है उनके एजेंट हैं, इनके बड़े पिताजी का। मैं इनके बड़े पिताजी की कहानी जानता हूं, आप नहीं जानते तो जान लीजिए, बहुत बड़े सोशलिस्ट हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। आनंद मोहन ने मनोज झा को फिटकरी झा बता दिया, इतना ही नहीं उनके खानदान की भी याद दिला दी। दरअसल इन दिनों बिहार की राजनीति गरमाई हुई है, खुद राजद जो है वो एक दूसरे, राजद के जो नेता है वो एक दूसरे पर भिड़े हुए हैं। एक तरफ मनोज झा राज्यसभा में ठाकुरों को लेकर के एक कविता का पाठ करते हैं, उसमें ठाकुर का कुआं और तमाम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिसके बाद चेतन आनंद की प्रतिक्रिया सामने आती है। बता दें कि अब इसमें आनंद मोहन ने भी बड़ा बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि फिटकरी को जानते हैं ना आप, फिटकरी भले ही कीटाणुनाशक है लेकिन वो दूध में पड़ता है तो दूध को फाड़ देता है, और ये मनोज झा वही है, ये राजद को फाड़ने में लगे हुए हैं, राजद को बर्बाद करने में लगे हुए। उन्होंने कहा कि मनोज झा जो है वो दरअसल मनोज झा को आनंद मोहन ने एजेंट करार कर दिया, उन्होंने कहा कि वो एजेंट है। जब मीडिया उनसे सवाल पूछती है कि किसके एजेंट, तो मनोज झा के, तो आनंद मोहन कहते हैं अरे आपको तो पता ही होगा ये तो बीजेपी के एजेंट है। आज अगर वो देखे कि राजद में टूट हो रही है, राजद अगर कमजोर पड़ रहा है तो वो राजद को छोड़ देंगे। वो मनोज झा इसीलिए राजद में बैठे हुए हैं क्योंकि अभी राजद मजबूत है। तो देखिए बात शुरू होती है ठाकुर और ब्राह्मणों के विवाद को लेकर के, और अब डायरेक्टली आनंद मोहन जो है वो मनोज झा पर प्रतिक्रिया देते हैं, कड़ी टिप्पणी करते हैं, कहते हैं कि मनोज झा के बड़े पिताजी को आप नहीं जानते होंगे लेकिन हम जानते हैं, वो बहुत बड़े सोशलिस्ट थे लेकिन सोशलिस्ट होने का ढोंग रचते थे, उन्होंने सोशलिस्ट होने का चादर ओढ़ रखा था, और ये मनोज झा भी वही है, ये राजद में तब तक है जब तक राजद मजबूत है, राजद जिस दिन कमजोर होने लगेगा ये राजद छोड़ देंगे और भाग जाएंगे बीजेपी में। मनोज झा पे और मनोज झा को फिटकरी झा कह करके क्या कुछ कह रहे आनंद मोहन वो सुनवाते हैं। आप सुन लिए ना, बात पे अटक गए आप, क्या अटक गए अपनी बात को? बिल्कुल अटक गए, जो हम बोल गए उसको रिपीट कर। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल उसी वीडियो को पोस्ट करके कहती है कि शानदार भाषण है मनोज झा का संसद में। क्या बात आ गई? देखिए आपने फिटकरी का नाम सुना है? पहले लोग दाढ़ी बनाते थे तो फिटकरी का इस्तेमाल करते थे, सेब के बाद करते थे ना आप, उस फिटकरी का एक काम है, एक बड़ा काम है। एक तो ये कीटाणुनाशक है और दूसरा काम क्या है कि एक टन, एक क्विंटल, आप एक ड्रम दूध ले लीजिए, एक ढेला फिटकरी उसमें डाल दीजिए, दूध फट जाएगा, जमने ही नहीं देगा। तो मैं आपको बोलूं कि एक फिटकरी झा है, वो नहीं चाहता है इस देश, इस प्रदेश में जो मार्शल कौमें हैं, जो कृषक जातियां हैं, वो इकट्ठा हो, एजेंट बन के पार्टियों में बैठे हुए हैं। किसके एजेंट है सर? किनके एजेंट? और किसके होंगे? जिनका केंद्र में सरकार है उनके एजेंट हैं, इनके बड़े पिताजी का। मैं इनके बड़े पिताजी की कहानी जानता हूं, आप नहीं जानते तो जान लीजिए, बहुत बड़े सोशलिस्ट हैं, प्रखर समाजवादी बनने का चोगा ओढ़े हुए थे, जीते समाजवादी पार्टी से, सोशलिस्ट पार्टी जो बनी है, और जैसे ही कांग्रेस की चलती आई सरकार बनी, समाजवादी चोला को उतार के नेक के बनते कहिए और कांग्रेस में जाके मंत्री हो गए। ऐसे लोग जब लगेगा, आरजेडी आज इस बात को नहीं समझ रही है, हम उनके शीर्ष नेतृत्व को समझाने का हम कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोग तभी तक हैं, न इसके पहले थे और न इसके बाद रहेंगे, ऐसे लोग तभी तक होंगे जब तक आरजेडी अस्तित्व में होगी। जैसे लगेगा कि कमजोर हो गया, सबसे पहले ये भाजपा के गोद में जाकर